ई एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में विभिन्न प्रकार के फॉर्मूलों का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आओ चले फॉर्मूले का प्रयोग करना सीखते हैं। हाँ तो बच्चों, आज हम एक्सेल सॉफ्टवेयर में आप लोगों को जो एक्सेल वर्कशीट में आप लोगों को कुछ मैथ्स के फॉर्मूले यहाँ पे कैसे उनका प्रयोग किया जाता है वो यहाँ पे सिखाएंगे। वैसे तो एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो हमें बार बार जिनकी आवश्यकता पड़ती है, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, काउंटे, एवरेज, मीडियन, इनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे इसमें फॉर्मूले हैं। तो फॉर्मूले हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे वो हम आपको बताएंगे। जो आप यहाँ पे बार देख रहे हैं, यहाँ पे ये एफ एक्स, ये इंसर्ट फंक्शन है जो हमारा फॉर्मूले को बताता है। तो फॉर्मूला जब भी हम लिखेंगे तो हमें इक्वल साइन से स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी फॉर्मूला इंसर्ट होगा। तो फॉर्मूला देखो, सम, एवरेज, इफ, हाइपरलिंक, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हम यहाँ से भी देख सकते हैं, और बहुत सारे इसके अतिरिक्त और भी हैं। तो कैसे इनका प्रयोग किया जाता है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। जैसे ऐड है, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो ये कर्सर या पॉइंटर जहाँ पे जाता है, ये सेल एड्रेस है। इसका एड्रेस हमें पता होना चाहिए, B2 बोला जाएगा इसको, और इसको बोला जाएगा C2। अब हम इन दोनों नंबर को कहाँ ऐड करना चाहते हैं वो हमें पता होना चाहिए। हम यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी, कहीं भी हम ऐड कर सकते हैं। तो हम E पे जैसे इसको ऐड करना चाहते हैं, E सेल पे, E2 पे हम इसको ऐड करना चाहते हैं, तो मैंने कहा इक्वल का चिन्ह लगेगा पहले, फिर उसके बाद आप कौन सा नंबर को ऐड करना चाहते हैं, तो मैंने 1 को सिलेक्ट किया और प्लस का चिन्ह लगाया। उसके बाद आप देख रहे हैं B2 सेल का एड्रेस आ गया, B2। उसके बाद आप देखेंगे C2 हम लेंगे प्लस C2, तो आपने देखा B2 प्लस C2, ये हमारा यहाँ पे भी फॉर्मूला दिखा रहा है और यहाँ पे भी दिखा रहा है। अब इसको हम इंटर मारेंगे तो आप देखेंगे कि ये 8 यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। अब ये फॉर्मूला बन चुका है। अब आप यहाँ पे कोई भी नंबर चेंज करोगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर 5 लिखूँ तो आप देखेंगे ये 12 बन जाएगा, 5, 7 को प्लस किया तो 12 बन गया, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पर अगर 2 लिखूँ तो 5 और 2, 7 होता है। तो ये उसको रीड करेगा, सेल को रीड करेगा कि इसके अंदर क्या कमांड है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है, जैसे B2 प्लस C2, तो इसमें आप हम कोई भी संख्या डालें तो ये उसको रीड कर लेगा। तो 1 प्लस 7, 8 आ गया। तो आपने देखा कि ऐड कितना आसान है। ऐसे ही सेपरेक्ट को भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इक्वल का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको सेपरेक्ट लिखते हैं। सेपरेक्ट भी हम लिख सकते हैं और इसको डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको कैसे होता है। इक्वल टू का चिन्ह लगाया, 4 माइनस 1 और इंटर कर दिया तो 3 आ गया। देखो 4 माइनस 1, 3 आ गया। इसी प्रकार मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में हम ले लेते हैं इक्वल का चिन्ह, 3 स्टार 3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का जो चिन्ह होता है एक्सेल में वो स्टार को समझता है। यहाँ पे इनटू का चिन्ह हमें स्टार लेना होगा, वही मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा 3, 3 जा 9 आ गया। इसी प्रकार डिवाइड का है, डिवाइड कैसे करेंगे, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, फिर हम इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पर हम 8 ले लेंगे। ये सेल हमारा B8 है और इसको ये वाला चिन्ह, डिवाइड का ये वाला चिन्ह होता है एक्सेल में, इसको बोलते हैं फ्रंट स्लैश। तो इससे इससे भाग करेंगे फिर ये वाला एड्रेस आ जाएगा, ये देखिए आप C8। जैसे आप इंटर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, 4 जा 8। तो 2 से हमने 8 को डिवाइड किया तो 4 हमारा आंसर आया। तो आपने देखा कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सिंपल तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं।
अब सम सम अपने आप में काफी बड़ा इसमें फॉर्मूला है, सम को हम यहां से भी कर सकते हैं ऑटो सम और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अब यहां पर हम जैसे इस फील्ड को पूरे को ऐड करना है, दो को ऐड करना आसान है, लेकिन अगर हमें इतने सारे ऐड करना है तो हम बार बार नहीं लिखेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे इक्वल का सिंबल लगाएंगे और सीधा फॉर्मूला लिखेंगे सम, एस यू एम। आपने देखा कि यहां पे बहुत सारे फॉर्मूले दिखा रहा है, तो सम हमें फॉर्मूला लेना है सम। अब हम सम कहां से कहां तक करना है, तो हमने यहां से सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे और यहां पे छोड़ देंगे। एक मिनट, ये हमारा गलत हो गया, दोबारा हम यहां पे करते हैं इसको इजिकल टू यहां पे सम, फिर ब्रैकेट यहां पे लगाएंगे। अब वो पूछेगा कि दो नंबर यहां पे डालिए, कहां से रेंज, एक नंबर से दूसरे नंबर तक रेंज डालिए या एक दो तीन चार नंबर करके जोड़िए। तो हम एक एक दो दो ना करते हुए हम यहां से लेकर यहां तक पूरा ड्रैग कर देंगे। अब इसमें आपका एक दो तीन चार सेल आ गए एक साथ, और यहां पे हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। जैसे हम ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर मारेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 16। तो 8 और 3 11, 11 और 5 15 और 1 16, करेक्ट आंसर आ गया हमारा सम। तो ये फॉर्मूला, अगर हम यहां पे कोई भी संख्या बदलेंगे तो वो यहां पर अपने आप वो संख्या चेंज हो जाएगी। अब आप चाहते हैं कि यहां भी ऐड करें तो इसको भी हम ऐड कर सकते हैं। अब दूसरे तरीके से ऐड करेंगे, आप डायरेक्ट ऑटो सम कर सकते हैं, ये 13 आ गया इनको जोड़ के। आप इन सारों को भी ऐड कर सकते हो एक साथ, इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ से हमने ऑटो सम कर लेंगे, ये 24 आ गया ये इस प्रकार। अब इतने वाले संख्याओं में अब हम मिनिमम कोई संख्या काउंट करेंगे, तो हम यहाँ पे जैसे इक्वल का चिन्ह लगाएंगे और एम आई एन लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आ गया एम आई एन, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ से ड्रैग कर देंगे यहाँ तक। कोई भी संख्या आप इसमें जो सबसे छोटी संख्या होगी वो यहाँ पे दिखा देगा, हमने पूरा यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। अब इसको हम यहाँ से ब्रैकेट से बंद करेंगे और इंटर मारेंगे, तो इन सब में सबसे छोटी संख्या हमारी 1 है, इसने 1 को काउंट कर लिया। अब इसमें हम सबसे बड़ी संख्या निकालते हैं मैक्स, मैक्सिमम कौन सी है, फिर यहाँ पे हम आएंगे मैक्स, एम ए एक्स मैक्स, आपने देखा यहाँ पे, फिर हमने ब्रैकेट लगाया। अब ये सारी संख्याओं को हम काउंट कर लेते हैं कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, फिर ब्रैकेट बंद किया और इंटर किया, ये देखो 24 आ गया। इन सब में सबसे बड़ी संख्या हमारी 24 थी। ऐसे आप काउंट करेंगे कि ये टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो इसका भी बहुत आसान है, काउंट सी ओ यू एन टी काउंट हमने किया, ब्रैकेट लगाया। अब हम पूरी संख्या को काउंट करते हैं, कितने फील्ड हमारे पास, कितनी संख्याएं हैं। ये जो फंक्शन है ये हमारे प्रोग्रामिंग करने में या कोई सॉफ्टवेयर बनाने में काम आते हैं, जैसे पेरोल हो गया आपका, इनकम टैक्स हो गया, उनमें ये काउंट करने में काफ़ी मदद करता है। अब हम यहाँ से इसको ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर करेंगे, तो देखो ये टोटल हमारे पास कितनी फील्ड हो गई, 15 हो गई है, ठीक है, 5, 10 और 15 15 फील्ड होगी, करेक्ट उसने काउंट करा। अब काउंटे और काउंट में फर्क है, काउंटे में आपका नेम काउंट हो जाता है, इसमें केवल नंबर काउंट करता है, कोई आपका कैरेक्टर काउंट नहीं करेगा। यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ अजय, यहाँ पे लिखते हैं मोहन, अब हमारे पास क्या है, नंबर अल्फा न्यूमेरिक हो गया हमारे पास, ये नंबर हो गए और ये हमारे कैरेक्टर हो गए। अब इनको पूरे को काउंट कर देगा ये कि कितने हमारी फील्ड है, तो इसको हम काउंट करेंगे, काउंट सी ओ यू एन टी काउंट ए, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद हम ये पूरे को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो अब ये बताएगा कि हमारे पास कितने डेटा है। तो देखो 17 हो गया, 15 ये हो गए, 16 और 17, तो 17 इसने काउंट करा, जिसमें नंबर के साथ साथ ये आपके करेक्टर को भी काउंट करेगा। अब हम एवरेज निकालना, हम कोई भी संख्या का एवरेज निकाल सकते हैं, हम यहाँ पर कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 5, 5, 5 और उसके बाद 5, तो हमने चार संख्या यहाँ पे ले ली है। इसका अगर हमें एवरेज निकालना है तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे एवरेज, तो यहाँ पे देखो ये संख्या है, यहाँ पे हम फिर ये निशान लगाएंगे इक्वल का और एवरेज लिखेंगे, ए वी ई आर ए जी ई, एवरेज लिखा,
ब्रैकेट लगाया हमने यहाँ पे, और कहाँ से कहाँ तक आपको एवरेज निकालना है, यहाँ से लेके हमने इतनी हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको हमने यहाँ पे ब्रैकेट में बंद कर दिया, और जैसे हम इंटर मारेंगे तो हमारा एवरेज 5 आएगा। इन सबको जोड़ लो 20 आता है, 20 को 4 से भाग करोगे तो 5 आएगा, तो एवरेज हमारा 5 निकला। मीडियन है अगर हमें निकालना है तो एक संख्या और ले लेते हैं, यहाँ पे हम अलग अलग संख्या ले लेते हैं, 5, 3, 9, 11 और 15। अगर हमें इसका मीडियन निकालना है तो हम यहाँ पे निकालेंगे, तो कैसे लेंगे हम इसको, इसको ये निशान लगाया हमने इक्वल का, यहाँ पे मीडियन लिखेंगे MEDIAN मीडियन ब्रैकेट, फिर हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे फील्ड, हमने सेलेक्ट कर ली, ब्रैकेट बंद, और ये एंटर किया तो 9, हमारी बीच की संख्या 9 आई। मीडियन में हमेशा बीच की संख्या होती है। तो आपने देखा कि एक्सेल हमारा कितना सारा काम चुटकियों में कर देता है और एकदम एक्यूरेट करता है बिना कोई गलती के। बस बेशर्त ये है कि आप फॉर्मूला सही ढंग से लगाएं और अपना लॉजिक खुद डेवलप करें। तो इससे आपने देखा कि मैथ्स में कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाता है। इसी के आधार पर बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर एक्सेल में बनाए जाते हैं और बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो भी इसमें काम करती हैं, बच्चे भी इसमें मैथ्स में सीखते हैं, इकोनॉमिक्स में हो चाहे मैथ्स हो चाहे कॉमर्स हो, तो काफ़ी इनकी हमें आवश्यकता पड़ती है इन फॉर्मूलोज की। तो आपने आज सीखा ऐड सेपरेट मल्टीप्लाई डिवाइड सम मिनिमम मैक्सिमम काउंट काउंट एवरेज और मीडियन, ये वाले फॉर्मूले सीखे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं जो हमारे फॉर्मूले इनको और विस्तृत रूप से आपको सिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।